मिर्च मसाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन जो हर घर में होता है कि सिंक जैम कैसे खोले। तो आइए हम शुरू करते हैं, मैं आपको झटपट बताती हूँ। ये देखिए मेरा सिंक है जो जैम हो चुका है, आपको वाटर लॉग दिख रहा होगा, ये वाटर पास नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको घर के ही दो चीजों से यूज करके इसे कैसे खोलना है बताती हूँ। ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और विनेगर। बेकिंग सोडा मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच और इसमें हम डालेंगे विनेगर जो कि मैंने लिया है हाफ कप। तो आइए पहले हम अपने जैम सिंक में बेकिंग सोडा डाल देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग चीज होता है। तो मैंने इसके सिंक आउटलेट पे मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसे हम अच्छे से डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हाफ कप विनेगर। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अब हाफ कप विनेगर और इसे डालकर हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे हमें सिंक यूज नहीं करना है, हम देखेंगे कि खुद ब खुद ये धीरे धीरे हमारा वाटर लॉक खुल जाएगा और हमारा पानी पास हो जाएगा। तो अब हम एक घंटे का इंतजार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों एक घंटे अब हो चुके हैं और अब देखिए धीरे धीरे पानी कैसे पास हो रहा है। तो देखिए हमारा ये सिंक का सारा पानी अब पास हो चुका है। तो हम अब इसे फ्रेश वाटर से अच्छे से वॉश कर देते हैं और अब हमारा सिंक जो जैम था वो अब खुल चुका है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये तरीका पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई भी कमेंट है तो हमें फीडबैक सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।